नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को आम बजट में 2018-19 के लिए कई बदलाव पेश किए थे, जिनका सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर ज्यादा सेस शामिल है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए भी नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस नए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की शुरुआत से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं। नौकरी पेशा वर्ग को 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। शेयर बाजार और इक्विटी लिक्विड फंड में निवेश से मिलने वाली 1,00,000 से ज्यादा कमाई पर 10% LTCG टैक्स देना होगा। आयकर पर लगने वाले एजुकेशन सेस 3 से बढ़कर 4% हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड NPS खाता धारकों को खाता बंद करने के दौरान कुल फंड की 40% राशि पर टैक्स नहीं देना होगा। 1 अप्रैल से बीमा अवधि के अनुपात में छूट मिलेगी, यानी अगर 2 साल में 20,000 प्रीमियम दिया है तो 40,000 पर टैक्स छूट मिलेगी। PM व्यय वंदना योजना का विस्तार, निवेश की सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए, इसमें 8% ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा रकम पर 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं होगा। कुछ गंभीर बीमारियों पर मिलने वाले टैक्स छूट 60,000 से 80,000 से बढ़कर अब 1,00,000 रुपए कर दी गई है। 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर ट्रांसपोर्टरों को ई वे बिल रखना होगा। ट्रांसपोर्टर इसमें टैक्स छूट वाले सामान शामिल नहीं कर सकेंगे। कार पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा। SBI ने न्यूनतम बैलेंस पर लगने वाले चार्ज कम किए हैं। बेस रेट पर लोन लेने वाले MCLR को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इस साल बजट में किए गए अहम बदलाव अप्रैल से लागू हो जाएंगे, लेकिन ये सभी अहम बदलाव सिर्फ टैक्स से जुड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और GST के तहत ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए जरूरी ई वे बिल का इस्तेमाल देश में लागू हो रहा है। ई वे बिल की वैधता अवधि को ट्रांसपोर्टर की तरफ से GST फॉर्म में पहली बार डिटेल्स भरने के दिन से गिना जाएगा। अगले 2 हफ्तों में इसे राज्यों के भीतर भी माल की ढुलाई के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत ई वे बिल को कारोबारी को 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुए GST निरीक्षक के सामने पेश करना होगा।